क्या आपके किचन 70% घर की तरह अनक्लीन और अनहाइजीनिक रहता है? एक ब्यूटीफुल क्लीन हाइजीनिक किचन कौन नहीं चाहता? चलिए देखते हैं इन 10 टिप्स में से कौन कौन सा आप ऑलरेडी फॉलो करते हो और कौन कौन सा आपको फॉलो करना चाहिए। वैसे तो मैं आपको टोटली 10 टिप्स शेयर करूंगी और वीडियो में मैं आपको एक एक्स्ट्रा बोनस टिप्स भी दूंगी, तो वीडियो आप पूरा देख लीजिए, स्किप करेंगे तो बोनस पॉइंट मिस हो जाएगा आपका। सो आज से आप कैसे किचन रखना पसंद करेंगे, ये अनहाइजीनिक किचन या फिर ये हाइजीनिक किचन, आप ही डिसाइड कीजिए। सो वेलकम बैक टू माई चैनल बेटर लाइफ। सो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक भी यही है, कैसे आप कुछ टिप्स और हैबिट्स मान के अपना जो किचन है उसको क्लीन हाइजीनिक और ऑर्गेनाइज रख सकते हो। सो चलो चलते हैं। जब भी आप मिक्सी यूज करते हो उसके बाद ही तुरंत उसको वॉश कर लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मिक्सी के ब्लेड्स में रेसिडुअल यानी अवशिष्ट दाने रह जाएंगे, वो बाद में साफ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तुरंत साफ करने के लिए मिक्सी के जार में पानी लेकर मिक्सी को ऑन कर लीजिए, उसके बाद नॉर्मल वाटर से उसको धो लीजिए। ऐसे करने से मिक्सी के जो ब्लेड्स है कम्प्लीटली क्लीन हो जाएगा और आपका जो मिक्सी है उसका लाइफ भी बढ़ जाएगा। अगर आप हर रोज़ ऐसा करते हो तो आपका स्कोर +1 कर दीजिए एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना आपको टोटल कितना स्कोर मिला। रोटी करने के लिए जब भी आप चाकला यूज़ करते हो तो उसके नीचे एक क्लॉथ ज़रूर प्लेस कर दीजिए। ऐसा करने से जो एक्स्ट्रा फ्लावर है वो नीचे कम गिरता है और आपके जो फ्लोर और काउंटर टॉप है उसको क्लीन रखने में बहुत हेल्प हो जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी आप अपना कुकिंग या जो कुछ भी काम कर रहे हो अपने किचन में वो ख़त्म करने के बाद उसको सही जगह में फिर से प्लेस करके रखिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो स्पाइसेस को ठीक जगह रखना, बेलन चक्की को ठीक जगह रखना, ये काम भूल जाते हैं, इससे किचन और भी ज़्यादा क्लटर हो जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी आप कोई भी वेजिटेबल फ्रूट्स चॉप करते हो तो काउंटर टॉप के ऊपर एक्स्ट्रा बर्तन प्लेस करके रखो। सब्जी और वेजिटेबल का जो एक्स्ट्रा वेस्टेज जो पार्ट है उसको काउंटर टॉप के ऊपर ना रख के वो बर्तन में रखो, तो ऐसा करने से आपका जो फ्लोर है वो भी गंदा नहीं होता है और आपका टाइम भी बच जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, चॉपिंग कंप्लीट होने के बाद चॉपिंग बोर्ड, नाइफ जो भी है उसको इमिडिएटली धो लीजिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको चॉपिंग बोर्ड की ज़रूरत होगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा और चॉपिंग बोर्ड नाइफ में कुछ बैक्टीरिया से इफेक्ट भी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कुकिंग करने के बाद आपके जो ऑयल डिस्पेंसर है, घी के जार है, स्पाइसेस जार, जो कुछ भी आपके डेली यूज़ में यूज़ होता है उसको एक क्लीन क्लॉथ से अच्छे से साफ़ कर लीजिए, इससे आपका जो डेली यूज़ का मटेरियल्स है वो अच्छे से क्लीन रहता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, कुकिंग करने के तुरंत बाद आपका जो गैस स्टोव है और काउंटर टॉप है उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए एक क्लॉथ की हेल्प से, इससे आपका किचन क्लटर फ्री रहेगा और दिखने में भी सुंदर लगेगा और आप जब नेक्स्ट टाइम किचन आओगे तब किचन को तुरंत यूज कर पाओगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है, आप किचन में जहाँ पे मैक्सिमम टाइम यूज करते हो वहाँ एक किचन टॉवल जरूर प्लेस करके रखो। तो मैं मेरे किचन टॉवल को यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ क्योंकि मेरे किचन का मैक्सिमम टाइम यहाँ पे ही यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रात को सोने से पहले आपका जो बर्तन है उसको ज़रूर साफ करके सोना। सो अगर आपके पास एक मेड है जो नेक्स्ट डे आएंगे, फिर आप अपना जो बर्तन है उसको पानी की हेल्प से थोड़ा सा क्लीन करके रखो। ऐसे करने से आपके बर्तन भी सही रहता है, आपके घर में कॉकरोच भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आपका जो सिंक है उसके सामने ज़रूर एक मैट प्लेस करके रखना
इससे एक तो आपके जो सिंक के फ्रंट में वाटर ड्रिप होता रहता है उससे आपके जो फ्लोर है वो गंदा नहीं होगा, और अगर आपका कोई कांच का बर्तन गिर जाए तो वो तुरंत टूट नहीं जाएगा। सो अब आते हैं हमारे बोनस पॉइंट में। बोनस पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी मैं शेयर कर दिया, आप चेकआउट कर सकते हो, एक बहुत ही हेल्पफुल टिप्स है। सो ये रहा आज का वीडियो। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल बटन प्रेस करना मत भूलिए। सो अगर आपको किचन रिलेटेड और भी वीडियो देखना है तो मैं मेरे जो प्रीवियस वीडियो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। एंड स्क्रीन में राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, तो आप चेकआउट कर सकते हो। किचन रिलेटेड कुछ भी जानना है तो मैं मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो, या तो इंस्टाग्राम हैंडल है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि वहाँ पे मैं मेरे जो लेटेस्ट अपडेट है वो देते रहती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।